सबरीमला मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए खड़ी है, लेकिन काले कपड़ों में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ती इन दोनों महिलाओं को देखिए। सुबह के 4:15 बजे इन दोनों महिलाओं ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इनमें एक का नाम बिंदु और दूसरी का नाम कनक दुर्गा बताया जा रहा है। दोनों महिलाओं की उम्र करीब 40 साल है। बिंदु और कनक दुर्गा सबरीमला मंदिर की उस परंपरा को तोड़ने जा रही हैं जो सदियों से चली आ रही है, जिस परंपरा को खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। उसके बाद भी मंदिर की परंपरा जारी है। सियासी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से इस परंपरा के समर्थन और विरोध में खड़ी हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने जा रही इन दोनों महिलाओं के साथ सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। दोनों महिलाओं ने जैसे ही भगवान अयप्पा के दर्शन किए, सदियों पुरानी परंपरा टूट गई। भगवान अयप्पा के दर्शन के बाद दोनों महिलाएं चुपचाप सबरीमला से निकल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बार महिलाओं ने सबरीमला मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस कोशिश में हिंसक झड़पें भी हुईं। खुद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर अपनी राय खुलकर रखी थी। भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो महिला जज का जजमेंट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। दरअसल सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने समानता के अधिकार के आधार पर सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रोक को हटा दिया था। उसके बाद भी इस मंदिर में महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रही थी। अब 40 साल की दो महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन करके सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दिया।